ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम में जून 2015 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम से अंजाम दिए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के हिस्सों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। सुरक्षा कारणों से स्पेशल फोर्सेस के कर्मियों की पहचान गुप्त रखी गई है। दिखाए गए सभी स्थान प्रतिरूपक हैं। चंदेल जिला, मणिपुर, भारत। जून 2015 सुबह 7:25 भारतीय सेना का एक काफिला मणिपुर के चंदेल जिले से नागालैंड के दीमापुर की ओर बढ़ रहा है। सफर में कुछ ही किलोमीटर आगे उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया गया। जब तक जिंदा बचे सैनिक जवाबी हमला करते, हमलावर जंगल में गायब हो चुके थे। अठारह भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये हमला पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय में उत्तर पूर्वी भारत में हुए सबसे भयानक उग्रवादी हमलों में से एक है। भारतीय सेना का जवाब होगा एक प्राण घातक हमला। Domino's presents Special Operations India, Myanmar, powered by Raymond and Indian Oil. June 2015. मणिपुर के चंदेल जिले में हुए इस उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा विभाग तेजी से हरकत में आ गया। इंडियन आर्मी पर हुए अटैक की उस घटना के तुरंत बाद हम सब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गए थे। भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, नाकाबंदी गहरी कर दी गई, हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मोर्चे तैयार कर लिए गए। इसी बीच भारत के गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। इसकी दूसरी वजह थी गुस्सा, और ये गुस्सा उन उग्रवादियों के खिलाफ था जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक हमारी सेना पर हमला करने की जरूरत की। खुफिया विभाग ने संकेत दिए कि हमलावर इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आए थे
भारत का उत्तर पूर्वी इलाका म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि किसी को भी सरहद पार करके विदेशी हथियार लाकर भारतीय सरजमी पर आतंक मचाने का दुस्साहस नहीं करने दिया जा सकता। उत्तर पूर्व में ऐसे कई विद्रोही दल काम कर रहे हैं जो भारतीय संघ के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। ये सभी बहुत पुराने मिलिटेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। भारत म्यांमार सीमा पर कई उग्रवादी गुटों ने शिविर लगाए हुए हैं। अब जरूरत थी एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की, और इस काम के लिए चुना गया भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन जवानों को। मुझे लगा कि स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बुलाना बेहतर होगा। सेना की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा SF। उच्च कोटि का एक लड़ाकू बल जिनका प्रतीक चिन्ह है वाघ नख, जो कि छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार और गौरवशाली मराठा योद्धा परंपरा का प्रतीक रहा है। वाघ मतलब टाइगर और नख यानी उसके पंजों के नाखून। ये जवान जंगल में युद्ध करने में माहिर होते हैं। ये जवान जंगल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जंग लड़ सकते हैं। इस इलाके में कोई भी मिशन पहले प्रकृति के खिलाफ जंग होता है। इन जवानों को दुनिया का सबसे ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाता है। पैरा SF चकमा देने और अचानक हमला बोलने में माहिर होते हैं। ये एक गुरिल्ला की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। चार जून 2015 दोपहर 12 बजे पैरा SF के गुप्तचर हरकत में आ जाते हैं, ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके और उनके छिपने की जगह को भी ढूंढा जाए। चला कि ये किस गुट का काम है और उन्होंने इसका दावा भी किया था। हालांकि ये हमला एक ऐसे गिरोह द्वारा किया गया था जिसका ताल्लुक कई उग्रवादी संगठनों से था, लेकिन हमले की योजना और संचालन करने वाले संगठन का नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग या NSCNK। ये नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश उग्रवादी संगठनों की एक मद ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग ही उन्हें पनाह देते हैं, उनके लिए कैंप्स का बंदोबस्त करते हैं और बदले में पैसे लेकर हथियार देते हैं। NSCN खापलांग एक बेरहम और सुनियोजित संगठन है। ये लोग बड़े गर्व से अपना यूनिफॉर्म पहन के आर्मी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका हमला बेहद घातक होता है और ये IED में एक्सपर्ट होते हैं। इनका गुप्त हथियार इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED, जो घरेलू चीजों से बनाया गया एक जानलेवा देसी बॉम्ब है। IED को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इन बॉम्ब्स का पता लगाना भी लगभग असंभव है। सब लक पर डिपेंड करता है। अगर ये आपको दिख गया तो ठीक है, वरना ये एक सूखी घास के ढेर से एक सुई को तलाशने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है।
ये लोग आसपास छिपे होते हैं, अचानक हमला करते हैं और भाग जाते हैं, यही इनके काम करने का तरीका है। ये गुरिल्ला आर्मी जंगल में कठोर परिश्रम करती है और मारो और भागो की रणनीति पर अमल करती है। ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है जो हमेशा बदलता रहता है। यहाँ के नागरिक NSCN खापलांग को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। उनके पास अच्छे खासे संसाधन है, जहाँ जबरन वसूली एक बहुत बड़ा बिजनेस है, साथ ही फिरौती, अपहरण और ड्रग सप्लाई। धमकी, जबरदस्ती और हिंसा जबरन वसूली के जरिए है। 3 महीनों में उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन तो की होगी। मिलिटेंट्स को रोकने की जरूरत है और इसके लिए भारत को उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। शाम ढलने तक स्पेशल फोर्सेस ने उग्रवादियों के ठिकानों की पुष्टि की सूचना दे दी। ये कैंप मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में है। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला यह शिविर NSCN खापलांग की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां तकरीबन 250 हथियारबंद मिलिटेंट्स के होने का अनुमान है। टारगेट बहुत बड़ा था, जबरदस्त पहरेदारी थी, मजबूत घेराबंदी थी। यह तय किया गया कि उन्हें उस जगह मारा जाए जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो, क्योंकि यह कैंप दूसरे सभी कैंप्स से बहुत बड़ा है और यह उनका गढ़ है जहां से वो अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। 4 जून 2015 शाम 4:20, लेकिन खुफिया विभाग की अतिरिक्त जानकारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खुफिया विभाग के लोगों ने हमें सूचना दी कि वो खुद को फिर से एकजुट कर रहे हैं और शायद एक नई योजना के तहत दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों से पता चला कि उग्रवादी और हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने सोचा इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हम उनका नामोनिशान मिटा देंगे। इम्फाल में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की मुलाकात होती है। हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। उग्रवादियों को फिर से हमला करने का मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। भारत को बहुत जल्द और जोरदार हमला करने की जरूरत है। ये एक हाई रिस्क मिशन था, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत थी। लक्ष्य साफ था, योजना बन चुकी थी। शुरुआत 24 घंटे के अंदर दुश्मन के इलाके में पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय करना। पूरा इलाका घना जंगल था। लक्ष्य था NSCN खापलांग का मिलिटेंट कैंप, जो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दुश्मनों की ताकत करीब 250 हथियारबंद उग्रवादी, जो काफी खतरनाक हैं। मकसद, उग्रवादी शिविर को नष्ट करना। फैसले का दिन 9 जून 2015। अब हमला करने के लिए 90 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डिटेल में चर्चा करने के बाद हमने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया 9 जून 2015 को। चीफ ने सिर्फ एक बात पूछी, क्या आप लोग ये कर पाएंगे? टीम लीडर की सिर्फ एक ही परेशानी है, इस तरह के फैले हुए लक्ष्य के लिए बड़े दलबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास स्टाफ की कमी है। उनकी टीम से कई लोग UN मिशन पर जा रहे थे और वो लोग दिल्ली में थे। इन जवानों के बिना दुश्मन को हराना असंभव होगा। आर्मी चीफ ने एक कॉल किया, दिल्ली में रह रहे स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मणिपुर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। हमला करने में 82 घंटे बचे हैं और मदद के लिए एक टुकड़ी पहुंच गई। अब टीम हमला करने के लिए तैयार है। ये एक टॉप सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन है। अब जवानों को अकेला रखा जाएगा। मिशन पूरा होने तक किसी का भी बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। ऑपरेशन हॉट परस्यूट शुरू हो गया। मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों ने भारतीय सेना के एक काफिले पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस की स्ट्राइक टीम के पास 90 घंटे की समय सीमा है। उनका मिशन NSCN खापलांग के कैंप को तलाशना और नेस्त नाबूद कर देना। जवान अपने मिशन में लग चुके हैं।
हर जवान अच्छे से जानता है कि जब देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटना है। यह उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल मिशन में से एक होने जा रहा है। हमला करने में 56 घंटे बचे हैं और अब अपना जौहर दिखाने का वक्त आ गया है। जनरल रावत ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया था। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बिहार रेजिमेंट के पैदल सैनिकों के भेस में ले जाया जा रहा है। यह हमलावर दस्ता इंफाल से पूर्व की तरफ म्यांमार के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट तक जा रहा है। ये यात्रा 9 घंटे की है और खतरों से भरी हुई है। ये उग्रवादी मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर ऑपरेट करते हैं। वो इस इलाके में आजादी से घूमते हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना था कि जब तक हम इस कैंप तक ना पहुंचे तब तक हमें किसी की नजर में नहीं आना है, और ऐसा ना होने पर ऑपरेशन नाकाम हो जाता। ट्रक्स ने उन्हें एक निश्चित स्थान तक पहुंचा दिया। सारे जवान मणिपुर म्यांमार सीमा से लगी नागा हिल्स के किनारे तक पहुंच गए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ऑपरेशन हॉट पर्स्यूट शुरू हो चुका है। हमला करने में 48 घंटे बचे हैं। 50 किलोमीटर की यह दूरी हमें सिर्फ 24 घंटे में पूरी करनी थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हर जवान ने 35 किलो का जंग लड़ने का सामान उठाया हुआ है, जिसमें घातक हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस रास्ते को चुना गया वो बेहद गर्मी और उमस से भरा हुआ है। हमने बहुत ही मुश्किल और लंबा रास्ता चुना, जो पूरी तरह से घिरे एक घने जंगल के बीच से गुजरता था। कुछ इलाके इतने घने हैं कि उन्हें सूरज की किरणें भी भेद नहीं पाती। इस इलाके में चारों तरफ हर रूप में खतरा मौजूद है। उमस 99% है। ये जंग है सोल्जर वर्सेस वाइल्ड। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तापमान भी बढ़ता गया। हर कदम पर ऊर्जा कम हो रही है। आखिरकार जवानों को कुछ राहत मिली। असॉल्ट से 37 घंटे पहले वो भारत के आखिरी गांव तक पहुंच गए। इसके आगे इंडो म्यांमार बॉर्डर है। यहां एक प्रोटोकॉल के तहत नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है, और मिलिटेंट्स भी इसी का फायदा उठाते हैं। We'll be right back.
पूरा इलाका दुश्मन के मुखबिरों से भरा हुआ है। हमलावर दस्ते को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सही मौके का इंतजार करना होगा। आखिरी गांव से भी आगे बढ़ गए। हमला करने में 36 घंटे 30 मिनट बचे हैं और जैसे जैसे स्ट्राइक टीम इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पहुंच रही है, उग्रवादियों द्वारा उनकी रेडियो कम्युनिकेशन के पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब यहां से आगे जवानों को अपना रेडियो बंद करके बढ़ना होगा, लेकिन जनरल और टीम लीडर के पास एक गुप्त संचार की योजना भी है। एक रेडियो सेट उनके पास था और एक मेरे पास। हर 2-3 घंटे में वो मुझे एक बजर टोन देते थे, जिसका मतलब था सब ठीक है। और जब तक मेरे पास वो बजर टोन आ रहा था, मुझे मालूम था सब अच्छा चल रहा है। स्ट्राइक टीम अब इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है, जहां नाम्या डोंग नदी दोनों देशों को अलग करती है। हमने एक दिन में 50 किलोमीटर की दूरी तय की थी और हम बुरी तरह थक चुके थे। हमला करने में 34 घंटे बचे हैं। रात के अंधेरे में जंगल को पार करना नामुमकिन है। उस जंगल में आपकी विजिबिलिटी 5 मीटर से ज्यादा नहीं होती और हर वक्त आप नाइट विजन सेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कुछ नजर नहीं आता। केवल एक ही चीज है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और वो है उनका कंपास, और उन्हें अब उसकी सख्त जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल अनजान इलाका है। चाल बेहद धीमी है और रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ। वक्त बीतता जा रहा है और मिशन खतरे में है। ये लोग अब दुश्मन के इलाके में हैं। यहां उग्रवादियों की पकड़ मजबूत है। इन जंगलों में आईईडीज का जाल बिछा हुआ है और उग्रवादियों की निगाहें हर तरफ हैं। मिलिटेंट्स ने कैंप्स के काफी पहले ही पहरेदार तैनात किए हुए थे, जिनका काम था किसी भी तरह की हलचल की सूचना उन तक पहुंचाना। जंगल में कुछ हलचल हो रही है, कोई इस तरफ आ रहा है। टीम हाई अलर्ट पर है। क्या यह मिशन फेल हो जाएगा? एनएससीएम खापलांग के सबसे बड़े कैंप्स में से एक को नष्ट करने के लिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस के पास सिर्फ 90 घंटे की समय सीमा है। यह कैंप इंडो म्यांमार बॉर्डर के उस पार है और हमारे जवानों पर दुश्मन द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमला करने में 25 घंटे 10 मिनट बचे हैं।
क्या ये लोग दुश्मन के मुखबिर हैं? जल्द ही पता चल गया कि ये लोग स्थानीय शिकारी हैं। शिकार करना यहाँ की जीवन शैली का एक पारंपरिक हिस्सा है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस कोई खतरा नहीं ले सकती। इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये लोग मददगार भी साबित हो सकते हैं। उन लोगों को रास्ते मालूम थे तो हमने सोचा कि इनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाए। स्ट्राइक टीम को अब मानव कंपास मिल गया है, लेकिन क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? सुबह के आसपास जब हम हिल टॉप पर पहुंचने वाले थे तो हमारे साथ जो लोकल शिकारी थे उन्होंने और आगे जाने से इनकार कर दिया। ये शिकारी एक कदम भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों को उग्रवादी कैंप के पास के जंगल में प्रवेश करने से मना किया गया है। टीम लीडर को अब यकीन है कि वो लक्ष्य के बिल्कुल पास है। हमलावर दस्ता अब फिर से अपने दम पर आगे बढ़ने लगा। हमला करने में 21 घंटे बचे हैं और टीम लीडर अपने रिकॉन स्पेशलिस्ट के साथ फैल गए। उनका काम था पहरेदारों के ठिकानों और इलाकों की परिधि की खोज करना। कैंप को बड़ी चालाकी से छिपा कर रखा गया है। इस घने जंगल में उसे देख पाना लगभग असंभव है। आखिरकार रिकॉन टीम एक की नजर पहरेदारों की पोस्ट पर पड़ ही गई। अगले 12 घंटों में उन्हें जितनी हो सके जानकारी इकट्ठा करनी है। हमें बहुत सावधान रहना था कि हम उनकी नजर में ना आ जाएं। इससे पहले कि वो हमें देखें, हमें उनका पता लगाना था, क्योंकि अगर पहला हमला उनकी तरफ से होता तो सब खत्म हो जाता। रिकॉन टीम 2। अब हमें समझ आ गया कि हमारा मिशन शुरू हो गया है और ये हमारा टारगेट एरिया है। रिकॉन टीम 3। टीम लीडर ने तीन तरफ से हमला करने की योजना बनाई। स्ट्राइक टीम 1 और 2 आधी रात को रवाना होंगी और वो उत्तर और दक्षिण से कैंप पर हमला करेंगी। मैंने अपनी पहली 2 टीम्स को आगे भेजा ताकि वो कैंप को घेर कर अटैक कर सके, और स्ट्राइक टीम 3 कैंप पर पश्चिम की तरफ से सामने से हमला बोलेगी। फाइनल अटैक में मेरे साथ करीब 15 जवान होंगे। हम हैवी एम्यूनेशन के साथ सामने से अटैक करेंगे। ये जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं, हथियार भी तैयार है, उनका दिमाग तेज दौड़ रहा है। समय आ गया है देश के लिए अपनी प्रतिज्ञा को निभाने का और अपने उन फौजी भाइयों का बदला लेने का जिन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण गंवा दिए। हमारे जवान एक जगह जम गए। चट्टानों के ऊपर से गोलीबारी शुरू हो गई। क्या वो दुश्मन की नजर में आ गए हैं? भारत की स्पेशल पैराट्रूपर फोर्स म्यांमार में मौजूद एनएससीएन खापलांग के उग्रवादी कैंप पर हमला करने के बेहद नजदीक है, लेकिन हमला शुरू करने के लिए वो आधी रात का इंतजार कर रहे हैं
कि अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। तब हम सोच में पड़ गए, क्या हमें देख लिया गया है, क्या मिलिटेंट्स को हमारी खबर मिल गई है। फिर लगभग 10 बजे के आसपास हमें दूसरी तरफ से भी कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। हमला करने में 7 घंटे बचे हैं। वो लोग टॉर्च चलाकर हमारी तलाश कर रहे थे। उग्रवादी हाई अलर्ट पर हैं। हर तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हमें बस एक ही बात का डर था, क्या हमें घेरा जा रहा है, क्या हम फंस चुके हैं। एक भी गलत कदम और दुश्मन के इलाके में आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। हालात काफी नाजुक हैं और स्पेशल फोर्सेस अपने एक भी जवान की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। सडनली हमारे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गईं। हमें 12 बजे हमला करना था। हमले की योजना विफल होती दिखाई दे रही है। सुबह 3 बजे तक भी गोलीबारी चल रही है। गोलियां चलना बंद हो गईं, लेकिन हमला करने का वक्त भी खत्म हो रहा है। उनके पास केवल 1 घंटा बचा है, या तो अभी या फिर कभी नहीं। मैदान जंग में ऐसी हैरान करने वाली बातें होती रहती हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। अब समय है कुछ अलग करने का। हम सभी 35 जवान सामने आकर डट गए। हमला करने में 1 घंटा बचा है और टीम लीडर 15 जवानों को लेकर उस दिशा में चल दिए जहां से आखिरी गोली चली थी। वो उग्रवादियों के पीछे कैंप तक जाएंगे। चढ़ाई खड़ी है और साथ ही फिसलन भरी। ऐसी चढ़ाई के लिए आपको अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लगभग सुबह के 4:45 बजे हम उस ऊंचाई पर पहुंच गए। वहां हमें मिलिटेंट्स के फुटप्रिंट्स मिले और हमने उन्हें फॉलो करने का फैसला किया। हम चलते रहे और घूमकर देखा तो पहरेदारों की पोस्ट दिखाई दी। पोस्ट बिल्कुल खाली थी। जंगल के अंदर गाड़ियों के जाने के लिए एक बड़ी सी रोड भी बनी हुई थी। पर एक बहुत बड़ा गेट था और उससे जुड़ी हुई एक बहुत लंबी फेंस भी थी। अब लक्ष्य टीम की आंखों के सामने है। मैंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया। हमारे जवान अब दुश्मन खेमे में प्रवेश कर रहे हैं।
सारे जवान फैल चुके हैं और हमले के लिए पोजीशन ले ली है। सुबह करीब 5 बजे मुझे कोई बजर सुनाई नहीं दिया। अब मुझे चिंता होने लगी थी। जंग शुरू होने वाली है। शायद इनमें से कुछ लोग जिंदा ना बचें, लेकिन भारतीय सेना अपने किसी भी जवान को छोड़कर वापस नहीं जाती, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे। भारत की पैरा एसएफ अपने लक्ष्य एनएससीएन खापलांग के एक उग्रवादी खेमे पर हमला बोलने से बस कुछ ही पल दूर है। इनका उद्देश्य है घात लगाकर किए गए हमले में 18 भारतीय सैनिकों की मौत का बदला और आगे होने वाले ऐसे किसी उग्रवादी हमले को विफल करना। पहरेदारों को खामोश कर दिया गया। अब असली काम को अंजाम देने का समय आ गया है। उन्होंने घात लगाकर हमला किया और उसका पूरा फायदा उठाया। वो हमसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे और हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका था। हमने मिलिटेंट्स के कैंप पर हैवी फायरिंग की। ये कैंप अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है और उग्रवादी चारों तरफ फैल गए, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के सामने जो भी आया तबाह हो गया। तीस मिनट की लगातार गोलीबारी के बाद ऑपरेशन पूरा हो गया। वापस लौटने का वक्त हो गया है। हर पल दुश्मनों की मदद के लिए आने वालों का जोखिम बढ़ रहा है। जवानों को यहां से बाहर निकलना होगा, वो भी जल्द से जल्द। बचे हुए उग्रवादियों ने इनके भागने के रास्ते को बंद करने की कोशिश की। हमने देखा कि 7-8 मिलिटेंट्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन स्पेशल फोर्स के आगे उनकी एक न चली। ऑपरेशन हॉट परस्यूट अब पूरा हो चुका है। उन्होंने रेडियो ऑन किया और मुझसे कहा, सर जिस काम के लिए हम आए थे वो हमने पूरा कर दिया है और पूरी टीम सुरक्षित है। मुझे जो टास्क दिया गया था उसे मैंने पूरा किया। जब स्पेशल फोर्सेस घर की ओर लौट रही थी, उनकी कामयाबी की खबर पूरे भारत में फैल गई। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ये खबर मैंने हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी। ये हम सबके लिए गर्व की बात थी।
मेरे हिसाब से तीन वजहों से भारतीय सेना ने शानदार काम किया था। सबसे पहला कि हमारे सभी सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित वापस आए और कोई घायल भी नहीं हुआ। दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ। और तीसरा, उनके दिलों में हमारे जवानों का डर पैदा हुआ। इसका सारा श्रेय मेरे काबिल कमांडर्स और बहादुर जवानों को जाता है जिन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। उग्रवादी और आतंकी गुटों के लिए मेरा यही संदेश है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है हथियार छोड़कर हमारे साथ बातचीत करो, जिससे हम सभी इस देश में शांति से रह सकें।